नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ऑरेंज स्पून हिंदी। आज हम देखेंगे क्रिसमस कुकीज। इसके लिए मैंने एक कप मैदा ले लिया, 70 ग्राम शुगर, थोड़ा वेनिला एसेंस, 3 टेबल स्पून मक्खन। ये रूम टेम्परेचर वाला अनसाल्टेड मक्खन है। पहले शुगर को मिक्सी में डाल के पाउडर करना है। अभी अच्छा पाउडर हो गया। मैंने 3 टेबल स्पून मक्खन ले लिया। ये 1 घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल के रखना है। इतना सॉफ्ट होना चाहिए मक्खन। इसमें पाउडर शुगर डालना है। पहले इसे दोनों का अच्छा मिक्स करना है। आप एक चम्मच नहीं तो ऐसे हैंड विस्क से ऐसे अच्छा मिक्स करना है। क्रीम जैसा होना चाहिए हमको। आप मक्खन को कितना अच्छा सॉफ्ट करें उतना अच्छा कुकीज आ जाएगा। ये थोड़ा वेनिला एसेंस ये ऑप्शन ले। इसमें डालना है 1 कप मैदा। थोड़ा सा इसे सब मिक्स करना है। उसके बाद हाथ में अच्छा अच्छा इसे मिक्स करना है। थोड़ा आराम से सॉफ्ट सॉफ्ट मिक्स करना है। ज़्यादा हाथ को हार्ड यूज़ नहीं करना, आराम से इसे मिक्स करना है। मैंने इतना मिक्स हो गया। मैं पानी दूध कुछ नहीं यूज़ नहीं किया, ओनली मक्खन से ही हम यूज़ कर रहा हूँ। अभी इसमें कलर ऐड करना है। मैंने क्रिसमस कुकीज़ के लिए हरा और लाल कलर यूज़ कर रहा हूँ, ग्रीन और रेड कलर। आपका कौन सा कलर पसंद है आप वो यूज़ कर सकता है। आप बिना कलर का भी कर सकता है, ये कलर ऑप्शनल है। इसे 10 मिनट फ्रिज में रखना है। इसके वजह से कुकीज़ ने ना ज़्यादा नहीं टूटेगा। अभी 10 मिनट के बाद थोड़ा मैदा इसे यूज़ करके इसे बिना कुकी कटर के हम देखो क्रिसमस ट्री रेडी कर रहा हूँ सिर्फ चाकू से। देखो इतना अच्छा आ गया हमारा क्रिसमस ट्री। अब कौन सा कलर भी आप यूज़ कर सकता है। ऊपर थोड़ा मैदा डाल के आप इसे बेलना है, नहीं तो आपके पास बटर पेपर है वो भी यूज़ कर सकता है बेलने के। अब कोई भी डिज़ाइन कोई भी कलर आप यूज़ कर सकता है। देखो राउंड कुकीज़ भी रेडी हो गया। अभी 3 कलर का कुकीज़ रेडी कर रहा हूँ, रेड वाइट और ग्रीन। इसे आराम से रोल करना है। पेलने के टाइम भी आप आराम से पेलना ही, ज़्यादा ज़ोर से नहीं पेलना। इसे रोल कीजिए। वो साइड से एडजस्ट करके इसे अच्छा रोल करने के बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ा काटना है। हमारा 3 कलर कुकीज रेडी हो गया। मैंने कुकर में रिवर्स सैंड नहीं तो आप पाउडर वाला साल्ट डाल के 10 मिनट प्री हीट कर दिया। अभी इसमें कुकीज़ को रखना है। कुकीज़ को लो फ्लेम में 10 से 15 मिनट आप करना है। आप कितना मोटा पेल दिया उतना टाइम लगेगा। हमारा कुकीज़ 15 मिनट में रेडी हो गया। अब ज़्यादा मोटा पेल दिया टाइम थोड़ा लगना चाहिए। देखो हमारा कुकीज़ अच्छा रेडी हो गया। 15 मिनट हो गया, लो फ्लेम में 15 मिनट रखना है।
देखो घर पे वाला सामान से आसानी से कितना अच्छा अच्छा कुकीज़ रेडी हो गया। अब ज़रूर ट्राई कीजिए क्रिसमस को। थैंक यू फ्रेंड्स।